गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ विजन इंस्टीट्यूट, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th of April 2020। कल का जो होमवर्क था उसका सही आंसर जाकिया परवीन और साथ ही साथ अजय ने दिया है, तो आज भी कुछ होमवर्क देंगे और उसका होमवर्क आपसे क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन का जो होमवर्क देंगे वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर पॉजिटिवली करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि इराक के जो मॉडर्न आर्किटेक्ट के फादर, आर्किटेक्चर का फादर कहते हैं, वो बहुत सारे फ्रीडम मॉन्यूमेंट को उन्होंने डिजाइन किया था, तो वो रिसेंटली पास्ड अवे हो गए, मतलब मर चुके हैं कोविड-19 के द्वारा, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा उनका देहांत हो गया। तो आपको नाम बताना है कौन सा नाम है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिफात चंदीर जी। चंदीर जी जो कि ये इराक के मॉडर्न आर्किटेक्चर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, जिन्होंने बहुत सारे वैल्यूबल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे इराक में, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है और वो कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से उनका डेथ होता है। वो उन्होंने आइकॉनिक फ्रीडम मॉन्यूमेंट एक तैयार डिजाइन किया था इराक में ही, तो आपको ध्यान रखना है, ऑबिट्रीज में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया है टाइटल साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस करके किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, तो हमारे यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने, जिनके वर्ल्ड बैंक जो कि एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। अब ये साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस किसके ऊपर डील करेगा, तो आपको पता है इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ बातें इसमें रिपोर्ट में आई होंगी। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, आपको नोट कर लेना, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और अगर चीफ पूछेगा तो वो हो जाएगा डेविड मालपास। तो रिलेटेड इसका न्यूज देख लेते हैं क्या वर्ल्ड बैंक ने कहा है। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो साउथ एशिया को लेके बताया है, उसमें बोला है कि जो पुअर पीपुल गरीब लोग हैं साउथ एशिया में, वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होने के कगार पे, ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे कोरोना वायरस की वजह से। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि उसने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों के लिए पॉसिबल है नहीं। ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना जॉब खो चुके हैं, उनको काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए जा ही सकते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में बोला है, साथ ही साथ एक एस्टीमेट भी डाला है कि 1.8% से 2.8% ग्रोथ रहेगा इस रेंज में, रीजनल ग्रोथ जो रहेगा गिर जाएगा 1.8% से 2.8% ही रहेगा, जो कि 6.3% प्रोजेक्ट किया गया था सिक्स मंथ के अंदर, नेक्स्ट सिक्स मंथ के अंदर प्रोजेक्ट किया था 6.3, लेकिन अब गिर के 1.8% से 2.8% आ जाएगा। बहुत ही खराब सिचुएशन है और ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हो रहा है। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ऐसे 20 कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जो कि एड्रेस करेंगे डेली वेजेस, जो वर्कर्स हैं जिनको डेली काम करने वाले, जिनको वेजेस मिलता था, जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो जो उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको डील करने के लिए 20 कंट्रोल रूम बनाए गए। अब ये जो कंट्रोल रूम्स जो बनाए गए कोविड-19 को डील करने के लिए, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा अंतर्गत आते हैं, किस मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपसे यहाँ पे एक होमवर्क छोड़ जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ, कौन है मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, यूनियन मिनिस्टर कौन है आपको बताना है। तो अभी बताते हैं इससे रिलेटेड न्यूज की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट क्या किया कि 20 कंट्रोल रूम्स पैन इंडिया बेसिस पे चालू किया है, जो कि एड्रेस करेगा डेली वेज वर्कर जो कि उनके ग्रीवियंस को, उनके प्रॉब्लम्स को, जो लॉकडाउन के पीरियड में काम नहीं कर पा रहे, तो उनका, उनको मॉनिटर डेली बेसिस पे, उनको एक कॉल सेंटर कंट्रोल रूम सेटअप किया गया जहां पे उनका प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा और साथ ही साथ उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा। और इसको मॉनिटर करेंगे, ये 200 कॉल सेंटर्स को मॉनिटर करेंगे जो कि चीफ लेबर कमिश्नर है, हेड ऑफ क्वार्टर जो कि ऑन डेली बेसिस ये उसको मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। आपको होमवर्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ, कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली आंसर करना है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेशन ने अप्रूव किया है हार्पून मिसाइल्स और टारपीडोज बेचने को इंडिया को, इंडिया को हार्पून और टारपीडोज मिसाइल्स, हार्पून जो कि मिसाइल है और टारपीडोज जो कि जनरली एंटी सबमरीन मिसाइल है ये, तो किस नेशन ने इसको अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यूएस ने, यूएस से इंडिया खरीद रहा था हार्पून मिसाइल्स और टारपीडोज जो कि अपने एयरक्राफ्ट में लगाया था, तो यूएस ने इसको अप्रूव कर दिया है 13 अप्रैल 2020 को अप्रूव कर दिया हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और साथ में टॉर्पीडोज जो कि कहां लगेंगे, ये एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो इंडिया के P-81 एयरक्राफ्ट जो कि पॉइजन जिसको बोलते हैं पॉइजन, उस एयरक्राफ्ट में जो नेवी का एयरक्राफ्ट एक्चुअली उसमें लगेगा,
और इस डील का टोटल जो अमाउंट का डील था वो था 155 मिलियन यूएस डॉलर जो था, जो P-81 एयरक्राफ्ट में इंडिया के इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये जो हार्पून मिसाइल्स के बारे में सोचिए, तो हार्पून मिसाइल जो है मैन्युफैक्चर करता है जो एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ी कंपनी है बोइंग, और साथ ही साथ अगर टारपीडोज की बात करें तो वो रेथोन बोल के कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों देशों के बीच जो टाई अब जो हम लोग का जो एक दूसरे के प्रति समझौता है साथ ही और ग्रो कर रहा है इन द फील्ड ऑफ आर्म्स डील हो गया, या फिर जो हम लोग का डिफेंस डील हो सकता है, या फिर साथ ही साथ आपने देखा कि इंडिया ने मेडिसिन भी सप्लाई किया है, HCQ मेडिसिन यूएसए को, साथ ही साथ पैरासिटामोल भी। तो ये बहुत अच्छा एक साइन हम लोग का और यूएस का रिश्ते का है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ऑन April 13, 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के द्वारा कितने लोग बेनिफिटेड हो चुके हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पीपल बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसके थ्रू कितने लोग जो कि अनाउंस हुआ था COVID-19 के लॉकडाउन के टाइम पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 32 करोड़ नोट कीजिएगा 32 करोड़ टोटल पीपल जो कि वनरेबल थे COVID-19 के वजह से, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के द्वारा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और साथ ही साथ डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ है। कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ कभी पूछ सकता है, तो आपको रफली बता दे, मतलब एग्जैक्ट फिगर हम बता रहे हैं आपको रफली नोट करना है, तो 29,000 करोड़ याद कीजिएगा। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 29,352 करोड़ का ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में दिया गया उनके, एज जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का एक पैकेज अनाउंस हुआ था COVID-19 के टाइम पे, तो उसमें गया है। साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्री फूड ग्रेन्स देगा, और कैश पेमेंट जो हो रहा है आपको बता दें कि जो कैश पेमेंट है वो कहाँ होगा, डायरेक्ट वोमेन जो कि वोमेन के अकाउंट में जाएगा, मेल पर्सन के नहीं, वोमेन के अकाउंट, और पुअर सीनियर सिटीजन और फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में ये डायरेक्ट चला जाएगा, और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा जितने दिन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और इसको डायरेक्ट इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रहा है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप इस पे ध्यान दीजिएगा ताकि गरीब लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2020-21 के ईयर में अभी जो नया जीडीपी ग्रोथ इंडिया का क्या रखा है, इंडिया का ग्रोथ रेट क्या बोला है नया, पहले वाला को छोड़ के अभी नया फिस्कल ईयर में, क्योंकि COVID-19 की वजह से जाहिर सी बात है क्रैश होगा, कम होगा ही होगा, तो कितना रखा है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 1.9% हो जाएगा। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जो कि पहले बोला था 5.8% जनवरी में दिया था, अब वो बोल दिया है कि 1.9% आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जस्ट हो रहा है COVID-19 की वजह से, इसके साथ पूरा वर्ल्ड का बात करें तो 2020 में COVID-19 की वजह से 3% की गिरावट आएगी, वर्ल्ड में 3% की गिरावट आएगी पूरे वर्ल्ड की। एक चीज यहाँ पे हम आपको बता दें, जहां से ये COVID-19 का नोवेल कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था चाइना में, वहां पे देखा जा रहा है कि IMF द्वारा बोला गया है कि 1.2% की वृद्धि होगी, बहुत ही एक ऑपोजिट न्यूज है कि 1.2% की वहां वृद्धि और बाकी वर्ल्ड में 3% की गिरावट। अब ये कैसे है हमको पता नहीं है, चाइनीज रिपोर्ट हम लोग मानते नहीं, क्योंकि चाइना में बोला जा रहा है कि ये क्या, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल वेपन है, इस पे हम क्या बोले, जो है कि अलग अलग सोर्सेस से न्यूज सुन पा रहे हैं, लेकिन कोई चाइना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे एक अलग ही टाइप का गवर्नमेंट है, मीडिया पे सेंसरशिप चलता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया IMF द्वारा कि 9.2% उसका ग्रोथ 2021 में हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा, जो कि अभी आपको पता चला कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया का बात करें तो 1.9% का एस्टिमेट किया गया है। आपके लिए फिर क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का चीफ अभी कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए अब ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने से क्या है कि आपको याद हो जाता है, इससे आप बार बार आप खोजेंगे तो आपको क्वेश्चन ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको होमवर्क दूसरा है कि IMF का चीफ को बताना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक DRDO लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोल के, मतलब DRDO का ही ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, लेबोरेटरी उसका काम है, तो वो एक COVID-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क बना दिया है, कोवसेक उसका नाम दिया गया है, जो कि हेल्थ वर्कर्स को सेव करेगा फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन। अब ये DRDL जो है, DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, वो कहाँ है, क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कौन से जगह में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद में ये लेबोरेटरी है। आपको बता दें कि ये
जो यूनिक कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस बना है, जैसे कि हम लोग कियोस क्या होता है जहां पे पैसा डिपॉजिट करते हैं वैसे टाइप का, या टिकट जो काटते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट हो गया टाइप का, वो जो वैसे उस तरह का ये कोवसेक बोल के एक तैयार किया गया है जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए काम होगा, सैंपल्स कलेक्ट करने फ्रॉम सस्पेक्टेड पेशेंट्स। अच्छा, बिना पीपीई किट्स के द्वारा यह सैंपल कलेक्शन होगा, और इससे क्या होगा, इस कोवसेक में क्या है कि ऑटो डिसइंफेक्शन फैसिलिटी है इनबिल्ट, और स्प्रेयर्स है और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है, साथ ही साथ वाटर है फॉलोड बाय यूवी लाइट्स डिसइंफेक्शन, बहुत तरह का डिसइंफेक्शन रखा गया है। ऐसे पहले क्या होता था कि जो वर्कर्स थे पीपीई किट पहन के जाते थे, अब ये जो सैंपल्स होगा डायरेक्ट ये कोवसेक में आएगा। तो डीआरडीओ ने एक बहुत अच्छा चीज डेवलप किया है जो कि डॉक्टर्स और एम्प्लॉयज के काम आएगा, ये बहुत जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से कुछ स्टेटिक आपको बताएं तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली, उसके जो प्रेजेंट चीफ है जी सतीश रेड्डी चेयरमैन जो है, और डीआरडीओ अगर पूछता है कब फॉर्म हुआ था, जो एसएससी का पूछने का टेंडेंसी है, तो हो जाएगा 1958 को फॉर्म हुआ था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कौन सा स्टेट ने इनोग्रेट किया है रोबोटिक सिस्टम, कोबोट उसका नाम रखा है, कोबोट रोबोटिक्स, जो कि हॉस्पिटल में फूड और मेडिसिन सर्व करेगा कोविड-19 पेशेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, ऐसे क्या होता है कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको आप खाना भी तो देंगे, उनको मेडिसिन भी तो देंगे, तो कौन जाके देंगे, ये तो नर्सेस या तो पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं, तो यहाँ पे रोबोट डेवलप कर देगा और रोबोट ये काम करेगा, कौन से स्टेट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो हो जाएगा हमारा झारखंड। झारखंड में ये हुआ है कि एक दो रोबोट जो रोबोट्स है वो फूड और मेडिसिन सप्लाई करेगा कोविड-19 के पेशेंट्स को दो हॉस्पिटल झारखंड में, जो कि है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। इससे क्या होता, इसका फायदा क्या है कि रोबोट जाएगा उसको तो कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। देखिए कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस लगे हैं बहुत चांस होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसके वजह से ताकि इससे वो बचे तो जिससे क्या होगा कि जो डॉक्टर्स है या फिर हमारे हेल्थ वर्कर्स है इससे वो बच सके, तो ये रोबोट उसके काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा है। और ये किसने डेवलप किया अगर पूछता है तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर आदित्य रंजन की एक टीम है इंजीनियर्स की, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर के जो कि नाम उनका नाम है आदित्य रंजन, उनकी टीम मिलकर ये डेवलप करती है। चलते हैं हमारे इसके स्टेटिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो झारखंड का सीएम कौन होगा, तो वो हो जाएगा झारखंड के सीएम अगर पूछे तो हेमंत सोरेन जो कि नए इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर गवर्नर का बात करें तो गवर्नर हो जाएगी गवर्नर का नाम पूछे तो द्रौपदी मुर्मू आपको याद रखना, और सीएम हो जाएगा हेमंत सोरेन। आपके लिए क्वेश्चन पूछ के छोड़ के जाते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व दुनिया का इंडिया का सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है, झारखंड में कौन से ज्यादा मिनरल्स जो कि रिलेट, क्योंकि झारखंड फेमस है मिनरल रिजर्व के लिए, तो कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है मिनरल आपको बताना है क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यस बैंक किस बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है अगले 5 साल के लिए, जो कि पहले 15 साल से पार्टनरशिप में था और भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू किसके थ्रू एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कि अब 15 से 5 और 10 जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो 20 साल का उन लोगों का पार्टनरशिप हो जाएगा। तो ये कौन सा इस कंपनी का नाम पूछ रहा है, यस बैंक बहुत ही न्यूज में था क्योंकि यस बैंक एक टाइम डूब रहा था लेकिन इंडिया के बिजनेसमैन और बहुत लोगों मिलकर उसको फिर से रिवाइव कर दिया है। तो अब बताइए कि वो कौन सा इंश्योरेंस है जो कि यस बैंक के साथ पार्टनरशिप अगले 5 साल के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्या करेगा कि अपना पार्टनरशिप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया यस बैंक के साथ। अब यस बैंक में क्या है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं लाइफ इंश्योरर के वो थ्रू यस बैंक ब्रांचेस बिक्री किए जाएंगे बिके जाएंगे, और ये जर्नी इन लोग का दोनों वेंचर का जर्नी स्टार्ट हुआ था फरवरी 2005 में विद ए करोड़ कमिटमेंट टुवर्ड्स सिक्योरिंग फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ द कस्टमर्स, जो कि अब अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगा। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यस बैंक के प्रेजेंट एमडी या सीईओ कौन है, कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली आंसर करना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि किसे एमडी और सीईओ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का अपॉइंट किया गया, एमडी और सीईओ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का अपॉइंट किया गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अनामिका रॉय रास्तारवार। ये जो हमारा अनामिका रॉय है उनको अपॉइंट किया गया एमडी और सीईओ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 27 मार्च से इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ये वरेंद्र सिन्हा को रिटायरमेंट के बाद उनके पोजीशन को ले रही और ये एमडी और सीईओ प्राइवेट सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया इफको की बनी है,
अनामिका राव आपको नोट करना है। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो होमवर्क है, आपको पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। जैसे कि बहुत अब स्टूडेंट हमारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट का होमवर्क आने लगा है, तो वैसे ही आपको भी होमवर्क देना है। हम यहाँ पे एक चीज बोले कि अजय हमारे स्टूडेंट जो कि पॉजिटिवली डेली आंसर देते हैं, तो वो रेगुलर एक स्टूडेंट है जो कि डेली हम उनका कमेंट बॉक्स में आंसर पाते हैं। कोविड-19 के बारे में आज बात करें, तो कोविड-19 के बारे में बात करने का ये है कि आज जो केसेस है वर्ल्ड में 2,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं, डेथ लगभग 1,31,000 हो चुका है, और इंडिया में आज अभी जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो 11,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और जनरली ये केसेस, आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए तो सिक्किम कोरोना फ्री हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम केसेस है, इंडिया का पॉजिटिव पार्ट वहां है, केरला में बहुत कम केसेस है, तो कुछ केसेस बच गए। मतलब कि वर्ल्ड में इंडिया का बात करें तो केरला में केसेस एकदम ग्राफ डीप हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में केसेस बहुत कम है, नए केसेस नहीं मिल रहे हैं, सिक्किम कोविड-19 फ्री हो चुका है, तो बहुत अच्छा न्यूज है हमारे देश के लिए। बाकी जगह भी लॉकडाउन का पालन करें तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि गवर्नमेंट विचार करे ग्रीन, येलो और रेड जोन बनाने का। जो ग्रीन जोन होगा उसमें शायद काम, उसमें ऐसा भी बोला जा रहा है कि कामकाज धीरे धीरे शुरू हो जाएगा ऑड इवन के स्कीम के थ्रू। मान लीजिए बहुत कम लोग जाएंगे जॉब करने, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट है, या फिर आईटी का भी, आईटी डिपार्टमेंट को भी खोलने का बात कहा जा रहा है, तो देखते हैं, होप कि ऐसा कुछ हो ताकि लोग जो बैठे उनका भी काम चलते और हम लॉकडाउन को भी सीरियसली पालन करें। फिर से एक बार बोलेंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।